हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स एजेंट्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज जो गैंग्लिया को, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया को ब्लॉक कर दे, वो तो आएंगे ब्लॉकिंग एजेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में। तो गैंग्लिया क्या होता है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर आज आपको बताता हूँ कि गैंग्लिया जो होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी का, ग्रे मैटर का कलेक्शन होता है, जिसे कि हम गैंग्लिया कहते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को लर्न करने का जो निमोनिक्स बनाया मैंने वो, तो यहाँ पे इसकी क्लासेस जो है परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, फिर क्वार्टरनरी अमोनियम कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स, अमीन्स, मोनो सल्फोनियम कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स। तो इसकी जो ड्रग को लर्न करने का निमोनिक्स है वो है नॉट अलाउड हेयर प्लीज मेक प्योर द क्लास। मतलब कोई आता है और बोलता है मुझे इस क्लास में स्मोक करनी है, तो टीचर बोलता है कि नॉट अलाउड हेयर, ओके यहां पर अलाउड नहीं है, प्लीज मेक प्योर द क्लास, ओके। तो नॉट से होता है निकोटीन, ओके लार्ज डोज में जब निकोटीन आप देंगे तो गैंग्लिया क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, वो डिपोलराइज हो जाएगी। फिर अलाउड एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ए से क्या है एंटी, ए यहाँ पे है तो यहाँ पे एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। फिर हियर एच से हेक्सामेथोनियम, एच से क्या है हेक्सामेथोनियम, पी पी से है पेंटोलिनियम, पी से है पेंटोलिनियम। फिर मेक एम से है मेकामिलामीन, ठीक है मेकामिलामाइन, आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो सुटेबल हो। और फिर प्योर पेम्पिडीन, पी से क्या है पेम्पिडीन। फिर द क्लास को एक साथ रखेंगे ट्राई मेथाफॉन कैम्फर सल्फोनेट, द क्लास को एक साथ इसलिए रखेंगे यहाँ पे सी से कैम्फर सल्फोनेट है और टी से द है, ट्राई मेथाफॉन कैम्फर सल्फोनेट। नॉट निकोटीन, ए से एंटीकोलिनेस्ट्रेज, एच से हेक्सामेथोनियम, पी से पेंटोलिनियम, एम से मेकामिलामीन, पी से पेम्पिडीन, टी से ट्राई, टी एंड सी बोथ को हम कंबाइन कर लेते हैं दोनों को और पढ़ते हैं ट्राई मेथाफॉन कैम्फर सल्फोनेट। तो ये था फॉर्मूला गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का या गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स का। इसके बारे में जो भी सारे टॉपिक्स के हम निमोनिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं तब बनाऊंगा जब पूरे जितने भी टॉपिक हैं 84 टॉपिक्स के आसपास हैं या इसी के आसपास होंगे, तो मैं सबके जब बना लूंगा ए टू जेड सारे टॉपिक्स के, तब मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअली इस ड्रग का कहाँ यूज है, कैसे यूज है। तो अभी हम सिर्फ ड्रग्स को याद करेंगे, ओके थैंक यू सो मच।